वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करके ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिए। आज के दिन की बात करें, बहुत सारी वीडियो आई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रिप्ट में मिल जाएगी, जरूर वीडियो को स्टडी करना ना भूलें। तो फ्रेंड, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी की बात करेंगे, कंसोलिडेटेड नंबर को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की टोटल रेवेन्यू की, तो कंपनी का इस टाइम का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हैं 120 करोड़, लास्ट टाइम की बात करें 134 करोड़, और लास्ट ईयर की बात करें तो 99 करोड़। तो 99 करोड़ से कंपनी का बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 134 से आप बोल सकते हैं 120, मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो हो गया कंपनी की इनकम। तो कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, तो कंपनी के इस टाइम के जो टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइम के जो कंपनी के एक्सपेंस है 114 करोड़, लास्ट टाइम की बात करें 127 करोड़, और लास्ट ईयर की बात करें तो 89 करोड़। तो 89 करोड़ से कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का इनकम भी बढ़ते हुए देखने को मिला। क्वार्टरली बात करें तो कंपनी सेम है कि एक्सपेंस कम होते हुए देखने को मिल रही क्वार्टरली बेसिस में। तो कंपनी का इनकम माइनस एक्सपेंस कर ले तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो आप देखते हो 578, लास्ट टाइम की बात करें 778, और लास्ट ईयर की बात करें 1000। तो 1000 का आप बोल सकते हैं प्रॉफिट कम होके देख सकते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला, पूरा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हाफ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात करें 778 से 578, मतलब दोनों बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयरली या क्वार्टरली दोनों बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कम हो चुका है, तो इसका तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देने का जो फाइनल प्रॉफिट इन हैंड बचा है, तो वो आप देख सकते हैं 4 करोड़ के आसपास का कंपनी का इस टाइम का प्रॉफिट देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट था 5 करोड़ 72 लाख, और लास्ट ईयर की बात करें 7 करोड़ 48 लाख। तो 7 करोड़ से आप बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ में आते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस 5 करोड़ का देख सकते हैं 4 करोड़, दोनों बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला। तो मंडे के दिन बहुत ही अच्छा करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक में, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक देखने को मिल जाता है। बात करेंगे कंपनी का EPS की, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं 0.84 देखने को मिला, लास्ट टाइम की बात करें 1.12, लास्ट ईयर की बात करें 1.47 का देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ब्लैक रोज के अपन चार्ट पैटर्न में आ गए, तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस 200 रुपये के आसपास देखने को मिला। आज के दिन फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली, एक महीने की 5 दिन की बात करें 6% की तेजी, एक महीने की बात करें 13% की तेजी, 6 महीने की बात करें 4% की रिटर्न, एक साल की बात करें तो एक साल में भी देख सकते हैं स्टॉक ने 6% के रिटर्न दिए हैं। बात करें कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम देख सकते हैं, सॉरी 5 साल का देख सकते हैं, 5 साल में स्टॉक ने करीब 800% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो ये इस टाइप के रिस्क की स्टॉक में कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम की बात करें कंपनी 2600% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की, तो करीब कंपनी का बहुत ही छोटा, मतलब स्मॉल कैप है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। पी रेशियो की बात करें 32, कंपनी का 52 वीक हाई की बात करें 239 के आसपास देखने को, लो की बात करें 165 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का एक बार पुराना प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट भी कवर कर लेते हैं। अभी की बात करें तो कंपनी का मैंने एक्सपेंस बढ़ गया, जिसके कारण से कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला। तो बात करेंगे कंपनी का लास्ट जून से बिजनेस कैसा चल रहा है, तो देख सकते हैं लास्ट जून में 99 करोड़, फिर 126, 128, 134, और अभी की बात करें तो और भी अच्छा बिजनेस देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी साल भर में कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, तो देख सकते हैं इन हैंड जो बचता होगा कंपनी को 7 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़, अभी की बात करें 5 करोड़ के आसपास देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कंपनी का साल भर साल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है 2018 से देख लेते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं 2018 में 298 करोड़ का सेल देखने को मिली, 370 380, और अभी की बात करें 490 करोड़ के आसपास का बिजनेस देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट इन हैंड कितना बचा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी, तो छोटा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 12 करोड़ 14 करोड़ 21 करोड़ 27 और 32 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में रिस्क आपको कम करना है, तो सबसे अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए इसका, तो प्रोमोटर 75% की होल्डिंग रखते हैं, FIS बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 0.6% की होल्डिंग। पब्लिक की बात करें 25% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो जिसके पास भी स्टॉक है होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा सिक्स पे सिक्स पड़ेंगे हर बॉल पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, या हर बॉल पे रन निकले ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी जीरो पे भी आउट हो जाता प्लेयर, तो इसलिए स्टॉक मार्केट है, इसमें ये सब चीज़ें देखनी आनी चाहिए। बट ये आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, स्टॉक जब भी नीचे लेवल पर मिले तो जरूर SIP करिए, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक जब भी तेजी दिखाएगा तो भयंकर तेजी देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो के थ्रू आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वी विल अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।